आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। सामान्यतः हम जनसंख्या को तीन प्रमुख आयु समूह में बांटते हैं। पहला है युवक या तरुण, ये 0 से 14 वर्ष तक के लोगों के लिए होता है। दूसरा प्रौढ़ या वयस्क, 15 से 59 वर्ष तक। और तीसरा वृद्ध, 60 तथा उससे अधिक वर्ष के लोगों के लिए। जब किसी जनसंख्या में बच्चों की जनसंख्या अधिक होती है तो प्रासिता यानी डिपेंडेंसी का अनुपात बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे अन्य लोगों पर डिपेंड होते हैं। इसके विपरीत 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन अधिक हो जाती है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होने पर वृद्धों की देखभाल पर अधिक खर्च होता है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में जन्मदर अधिक है, इसलिए वहाँ पर निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या भी अधिक है। कम औसत उम्र वाले देशों में वृद्धों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत कम जन्मदर और अधिक जीवन प्रत्याशा यानी औसत उम्र वाले देशों में बच्चों की संख्या कम और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। यूरोप के अधिकांश विकसित देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान में जन्मदर कम है और औसत उम्र अधिक है, इस कारण वहाँ वृद्धों की संख्या अधिक है। कभी कभी युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण भी निश्चित आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु होने पर आयु संरचना का स्वरूप बिगड़ जाता है। वहीं भारत के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन की काफ़ी अधिक जनसंख्या मिलती है।